नहीं समझ में आता अलग बात है। तो जो भी काम हुआ जनता इस बात को समझती है, जनता भली भांति समझ रही है कि हमको क्या लाभ मिला। विपक्ष के नेता को समझ में नहीं आता तो अलग बात है। बिल्कुल अगर वो कहते हैं कि इस गलत काम हुआ है, गलत बयानबाजी है, गलत चीज़ है, उनके हिसाब से तो विरोधी है ना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधी सेतु का उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन को लेकर विपक्ष नाराज है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को आमंत्रित नहीं किया गया, इसमें उसको लेकर आरजेडी के तमाम जो कुनवा है वो काफ़ी आक्रोशित है इस बात को लेकर कि आखिरकार विपक्ष के नेता का क्यों इन्विटेशन नहीं हुआ, बल्कि उस क्षेत्र के वो विधायक भी हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके का काम हुआ। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कल फोटो भी अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के पेज पर जो फोटो लगाया गया था, तेजस्वी यादव ने यह दिखाया कि जब गांधी सेतु के लोकार्पण हुआ था उस वक्त किस प्रकार से तमाम मंत्रियों के साथ, नितिन गडकरी के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई थी। नितिन गडकरी के साथ जो है उन्होंने बात किया और उस पुल को लेकर काफ़ी तेजस्वी यादव ने मेहनत किया था और उसके बावजूद जब पुल बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन हुआ तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है तेजस्वी यादव, उसके बावजूद भी उनको आमंत्रित नहीं किया गया। साथ ही साथ वह उस क्षेत्र से विधायक भी है, उसके बावजूद उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो ऐसे में आरजेडी में काफ़ी आक्रोश है, आरजेडी के जो तमाम नेता है वो काफ़ी आक्रोशित हैं। यहाँ तक कि आरजेडी के जो प्रवक्ता है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस प्रकार से जो पुल का उद्घाटन किया गया तो तेजस्वी यादव ने इस पुल को लेकर काफ़ी मेहनत की थी और कई बार मंत्री से मुलाकात भी किया था इस पुल को लेकर, लेकिन जिस तरीके से कल हुआ तो ये प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से विपक्ष के नेता को बुलाया जाना चाहिए तो नहीं बुलाया गया और ऐसे में आज बिहार सरकार के मंत्री भाजपा कोटे से मंत्री हैं उनसे ये सवाल किया गया कि आखिरकार तेजस्वी यादव को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और उनको नहीं बुलाया गया तो वो परेशान, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो काम है उससे विपक्ष परेशान होगा ही, क्योंकि विपक्ष का काम ही है बोलना, लेकिन जिस तरीके से आक्रोश है उनको बुलाया नहीं गया इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोशित है राष्ट्रीय जनता दल और कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है, प्रोटोकॉल से हटकर इस तरीके का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है और जनता दल यूनाइटेड को जिस तरीके से लगातार उस वक्त नज़दीकियाँ बढ़ रही थी तो ये बात है जो तेजस्वी यादव ने कही थी उस वक्त, तो ये भी सवाल किया गया कि आज से पहले कुछ बोल रहे थे अब कुछ बोल रहे हैं तो इसका क्या मायने मतलब निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी लोभ के कारण इस तरह की बातें बोल रहे होंगे, हालांकि विपक्ष में है तो विपक्ष जो है सरकार का आईना होती है और इस तरीके की काम विपक्ष का है कि वो सरकार की आलोचना करते रहे। क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव को लेकर, सुनवाते हैं। स्वाभाविक है परेशान है, स्वाभाविक है विपक्ष के लोग हैं तो विरोध में बोलते ही हैं। विपक्ष पक्ष का आईना दिखाता है, उसमें आईना अगर किसी को भूल लगा हो तो नहीं समझ में आता अलग बात है। तो जो भी काम हुआ जनता इस बात को समझती है, जनता भली भांति समझ रही है कि हमको क्या लाभ मिला। विपक्ष के नेता को समझ में नहीं आता तो अलग बात है। बिल्कुल अगर वो कहते हैं कि इस गलत काम हुआ है, गलत बयानबाजी है, गलत चीज़ है, उनके हिसाब से तो विरोधी है ना। विरोधी कभी सरकार के पक्ष में बोलता है कि आज तक देखें कभी बोलते हुए हाल के दिनों में तो बहुत हाल के दिनों किसी लोभ में बोल दिए होंगे।